हे सरस्वती माता, इस बार के एग्जाम में मुझे नहीं करना ड्रॉप। मैं अपने दुरा पर हर साल आपकी पूजा करूंगा। बस इस साल के एग्जाम में मुझे करा दीजिए बिहार टॉप। जिन बच्चों के एग्जाम है उनके लिए मैं सरस्वती माता से प्रार्थना करता हूं कि हे माता, हमारे सभी बच्चों का एग्जाम में नंबर बहुत अच्छा है और जो जितना मेहनत करे उससे उनका नंबर कम कभी ना आए। आप सभी का एक ही सवाल था कि सर, आपके पिछले साल विद्यार्थी ने कैसे बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखा कि पूरे बिहार में चौथा रैंक लाया। मैं आपको राज आज खोलने वाला हूं। देखिए, कॉपी में लाइन ब्रेकअप और चेहरे पे मेकअप बहुत जरूरी है। जिनको चेहरे पर मेकअप करने आ गया, समझे भाई साहब, बहुत सुंदर दिखेगा। और जिनको कॉपी में लाइन ब्रेक करने, प्रोग्राफ चेंज करने आ गया, उनका कॉपी बहुत अच्छा दिखेगा। लड़के लोग कहती है कि लड़के धोखेबाज होते हैं, वो मेरे साथ ब्रेकअप कर लिए। ऐसी बात नहीं है। लड़कियां अधिक सुंदर दिखने के लिए करती है मेकअप और रास्ते पे निकलकर दूसरे के बॉयफ्रेंड का कराती है ब्रेकअप। जो विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं उनके लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है? राइटिंग प्रैक्टिस। ये एक यूपीएससी टॉपर का राइटिंग है। इस राइटिंग के खास तीन बात है। क्या क्या? इस राइटिंग में कहीं भी कटिंग नहीं है। दूसरा कि समय के हिसाब से प्रोग्राफ को चेंज किया गया है। तीसरा, ये राइटिंग बहुत अच्छा नहीं है फिर भी राइटिंग साफ साफ सुंदर दिख रहा है। ये राइटिंग किसी भी एग्जामिनर को पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। ऑप्शन अधिक था तो इन्होंने सवाल को यहां लिख दिया। दूसरा, आंसर जब लिखा तो उसको बोल्ड किया, एक घेरे में घेर दिया गया। तीसरा कि भाई साहब, जब प्रोवर्ब को लिखा गया, कहावत को लिखा गया, तो वहां पे क्या इन्वर्टेड कॉमा से घेरा गया ताकि बोल्ड दिखे। चौथा, इसमें राइटिंग में समय समय पर प्रोग्राफ चेंज किया गया है, एक यहां एक यहां। तो ऐसा आप भी बोर्ड एग्जाम में करेंगे तभी एग्जाम में आप टॉप कर सकते हैं। यूपीएससी टॉपर रैंक 5 का राइटिंग है। इस कॉपी के आप 4 खास बात खोजिए। जब लगा कि ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको एक बक्से में घेर दिया गया। दूसरा, जब यहाँ कोई टॉपिक था तो उसको अंडरलाइन किया गया ताकि थोड़े बोर्ड दिखे। तीसरा, यहाँ एक फोटो से बहुत कुछ समझाया गया है। चौथा, यहां भी लगा कि नहीं, चीजों को हम लिखेंगे शब्दों में तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो उसको यहाँ पॉइंट वाइज दिया गया ताकि एग्जामिनर को चेक करने में दिक्कत ना हो। क्योंकि आप एग्जामिनर के ना ही पुतो है और ना ही दामाद है कि आपको नंबर फ्री मिल जाएगा। जितने साफ सुथरा अच्छा कॉपी दिखेगा आपका उतना एग्जाम में नंबर मिलेगा। ठीक, शादी हो या एग्जाम, सुंदर फोटो होना चाहिए। अगर सुंदर फोटो हो गया, समझिए शादी क्लियर हो गया। इसलिए लेंस का फोटो है तो आप जितना हो सके उसको साफ सुथरा सुंदर दिखाइए। तो आज के इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने एग्जाम देने वाले मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिएगा।